गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आइडिया झुंझुनू। आइडिया झुंझुनू में आपका हार्दिक स्वागत है। मॉडल पेपर नंबर 19 आज डिस्कस करने जा रहे हैं भाई, तो आप इसको ध्यान से पढ़ोगे, अच्छे क्वेश्चंस है और आपके एग्जामिंग जो अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। ओके, शैल वी स्टार्ट? शुरू करें भाई, लेट्स स्टार्ट। ओके, पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एज ऑलवेज पता है कैसा आएगा, स्पॉटिंग एरर। द टाटा ग्रुप ऑन्स मेनी इंडस्ट्रीज दैट आर स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब। आपको एरर फाइंड आउट करनी है, नहीं मिले तो नो एरर। इज द पॉइंट क्लियर? बात करते हैं कैसे। यहां देखो द टाटा ग्रुप, ये ग्रुप का नाम है द टाटा, समझ में आई बात? ग्रुप का नाम है टाटा ग्रुप, है ना, समूह है। तो द आर्टिकल समूह के पहले लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। दी आर्टिकल, टाटा अगर होता तो दी नहीं लगता, नाम से पहले दी नहीं लगता, लेकिन ये समूह है तब दी लगाए। ओन्स, ओन्स का मतलब होता है जिसका स्वामित्व होना, मतलब ओन का मतलब आप बोलते हैं ना ओनर, स्वामी। ओन्स वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है, सिंगुलर, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर। तो पहला सेंटेंस कोई दिक्कत नहीं है पहले पार्ट में, ये देखना आपको। सेकंड पार्ट क्या है, मेनी इंडस्ट्रीज, मेनी इंडस्ट्रीज दैट आर स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब। यहां देखो दैट से पहले क्या है, इंडस्ट्रीज है ना, पहली बात मेनी के बाद नाउन प्लूरल आता है, तो मेनी के बाद नाउन प्लूरल है, इंडस्ट्रीज आप प्लूरल फॉर्म में बोलते हो। सेकंड क्या है, इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब यूज होगी वो वर्ब कैसी है, प्लूरल, और वो प्लूरल किसने डिसाइड की, वो डिसाइड की इंडस्ट्रियस ने, मतलब अपन ऐसे बोलेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के बाद यूज होने वाली वर्ब इसके एंटेसिडेंट पे डिपेंड करती है, और एंटेसिडेंट क्या है, इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज है। दैट मीन्स यहाँ आर सही है, बट एक बात बताता हूं, दैट कब आएगा, दैट आता है स्पेशल केसेस में, स्पेशल केस में आता है, समझ में आई बात, दैट ऐसे नहीं आएगा। सोहित गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। लोकेश यादव ने पहले बोला है, एक नंबर आंसर दिया है, महिपाल सिंह सी। डिस्कस करते हैं सी में प्रॉब्लम क्या हुई, अक्रॉस द ग्लोब, चलो अपन डिस्कस कर रहे हैं सारी चीजें। दैट क्या है भाई, दैट रिलेटिव प्रोनाउन होता है, वो स्पेशल केसेज में आता है, स्पेशल केसेज मतलब उसके लिए अपन को क्या क्या केस चाहिए, वो केस अपन को बहुत सारी कंडीशन बनती है तब जाके आता है, समझ में आई बात। अदरवाइज इंडस्ट्रीज के लिए क्या आएगा, यहां आएगा विच, क्या आएगा भाई, विच का यूज होगा। पता है आप लोगों को हु का यूज, हु वाली सीरीज होती है ना, हु बोल दो, हुम बोल दो, हुज बोल दो, ये पर्सन के लिए यूज होता है, ठीक है। विच वाली कैटेगरी वस्तु नॉन लिविंग थिंग के लिए होता है, ठीक है, जानवर के लिए विच आता है। दैट, दैट होता है स्पेशल केसेज में, ये स्पेशल केसेज नहीं है भाई, स्पेशल केस नहीं है कोई भी, तो यहाँ विच आएगा दैट के स्थान पर, ये ध्यान रखना। अक्रॉस द ग्लोब, ग्लोब का मतलब यहाँ वर्ल्ड बोल दो या ग्लोब बोल दो, अक्रॉस यानी होता है चारों ओर फैला हुआ, ठीक है। महिपाल सिंह सॉरी बेटा, कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलत लिखा है, अच्छी बात है आप एक्टिव हो, कोई दिक्कत नहीं, गलत लिखा है तो समझाने के लिए खड़ा हूं यहाँ। सी हैज नॉट बीन, सी हैज नॉट बीन टू द रेस्टोरेंट मच लेट। एक बात इसमें थोड़ी सी गलत है भाई, वो क्या है, यहां टू के स्थान पे क्या करो, ऐड करो, क्या करो, ऐड करो। अब इसको सही करो, अब ये सेंटेंस सही कैसे होगा वो डिस्कस करते हैं। देखो एक बात बताता हूं, ये बीन किसकी फॉर्म आ रही है यहां, कुछ बच्चों की एक डाउट रहता है, सुनना मेरी बात, आज मैं आपके क्लियर करता हूं चीजें। जैसे मैं लिखता हूं आई आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2016, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए ये टेंस कौन सा है,
समझ में आई बात? तो आप टेंस कैसे डिसाइड करोगे वो एक बात बताता हूं, सुनना मेरी बात। ये कैसे, ये देखो मेन वर्ब सबसे बड़ी बात है। टेंस जब आप पहचानते हो तो मेन वर्ब को देखो, मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, यहाँ टीच है, मेन वर्ब क्या है, टीच है, और टीच में क्या लगा है, आईएनजी लगा है। और जब आईएनजी लगता है ना, एज वी नो, जैसे हमें पता है आईएनजी लगता है, इसका मतलब वो पार्ट कहीं ना कहीं जाके किस पे खत्म होगा, वो बात खत्म होगी कंटिन्यूअस पे। किस पे बात होगी बताओ, कंटिन्यूअस पे। आ रही बात समझ में? अब इसकी हेल्पिंग वर्ब को देखोगे, हेल्पिंग वर्ब क्या इसमें, हैज हैव, क्या भाई, हैज हैव। और हैज हैव क्या होते हैं आपको पता है, या तो हैज आया या हैव आया या हैड आए। इसके बाद अगर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, कोई भी है, थर्ड फॉर्म अगर आ रही है, तो ये बात कौन से टेंस को सेटिस्फाई करती है, ये बात करती है परफेक्ट को। पता है ना आप लोगों को, ये तीन परफेक्ट एस्पेक्ट होते हैं, ये प्रेजेंट का होता है, ये पास्ट का होता है। तो ये हैव आ रहा है, ये कौन सा एस्पेक्ट है, परफेक्ट है। समझ आई बात? और एक बात और डिस्कस करते हैं, वो क्या है, परफेक्ट कौन सा है, प्रेजेंट का या पास्ट का है। तो यहां प्रेजेंट का है, तो आप इसको पूरा टेंस क्या बोलोगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलोगे। इज द पॉइंट क्लियर? लेकिन एक बात वो समझो, वो क्या है, यहां हैड होता तो क्या हो जाता, पास्ट परफेक्ट, कुछ नहीं बदलता, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता। अब इसके अलावा एक बात और डिस्कस करते हैं। जैसे मैं लिखूं, आई हैव बीन देयर, भाई एक सिंपल सी बात याद रखोगे, सेंटेंस में मेन वर्ब जरूर होती है। अगर कोई सेंटेंस है तो वो मेन वर्ब के बिना नहीं बन सकता। दो चीजें अति आवश्यक होती है सेंटेंस बनाने के लिए, पहला सब्जेक्ट, दूसरा मेन वर्ब। सुनना, हेल्पिंग वर्ब होना हो, क्या होनी जरूरी है, मेन वर्ब होनी जरूरी है। तो अब बात करते हैं इस वाले टेंस की, ये वाला टेंस कौन सा है। पहली बात देखो, इसमें इसमें मेन वर्ब आप फाइंड आउट करो, मेन वर्ब ढूंढो, मेन वर्ब ढूंढोगे तो इसमें क्या मिलेगी आपको पता चलेगा, मेन वर्ब लास्ट में क्या बचा, बीन बचा, ठीक है ना, बीन। और बीन कैसी फॉर्म में है, थर्ड फॉर्म में है। और ये थर्ड फॉर्म किसकी होती है, बी की थर्ड फॉर्म होती है, एज बी नो, अपन को पता है थर्ड फॉर्म किसकी है, बी की थर्ड फॉर्म है। तो इसका मतलब ये क्या दे रखा है, मेन वर्ब की कैसी फॉर्म दे रखी है, थर्ड फॉर्म। आ रही बात समझ में? ठीक है। और ये क्या हैव क्या है, परफेक्ट, परफेक्ट होता है ना, परफेक्ट उसी कंडीशन में होता है जब इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी हो। तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको मिली, इसका मतलब ये परफेक्ट तो है, तो कौन सा परफेक्ट हो जाएगा, यहां कंटिन्यूअस ना करें, आप क्या बोलोगे सिर्फ इसको, कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कंटिन्यूअस के लिए, तो कंटिन्यूअस के लिए आप लोगों को क्या चाहिए, कंटिन्यूअस के लिए तो आपको आईएनजी फॉर्म चाहिए भी। इज द पॉइंट क्लियर, समझ में आई ना बात? तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जांपल है। तो ये सेंटेंस किसका था, प्रेजेंट परफेक्ट का था, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का था। मैंने एक बात बोली आपको, यहां टू आप कैंसिल करोगे, एट मानोगे, ही हैज नॉट बीन एट द रेस्टोरेंट मच लेट। देखो मच लेट कोई नहीं होता, आप इसको क्या बोलोगे, वेरी लेट, ठीक है। अब एक बात सुनो, आप बोलोगे मच और वेरी का कॉन्सेप्ट क्या है सर, तो मैं बताता हूं आप लोगों को, मच और वेरी इन दोनों का मतलब क्या होता है, ज्यादा, क्या होता है भाई, ज्यादा होता है, ठीक है। अब कैसे करते हो, ध्यान रखोगे, मच के बाद ऐसा एडजेक्टिव आता है जो कैसी फॉर्म में हो, थर्ड फॉर्म में हो, ठीक है ना, और वेरी के बाद में ऐसे एडजेक्ट। ये दोनों ही आप जनरली मानोगे एडवर्ब की फॉर्म में बता रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है ना, दोनों ही किसकी फॉर्म में बता रहा हूं, एडवर्ब की फॉर्म में बता रहा हूं, यानी एडजेक्टिव की विशेषता बताएंगे। वेरी के बाद में एडजेक्टिव सिंपल आता है, और क्या आता है भी, एडजेक्टिव ऐसा भी आता है जिसमें क्या लगाओ, आईएनजी लगाओ, ठीक है ना। तो अपन क्या बोलेंगे, द स्टोरी इज मच इंटरेस्टिंग और वेरी इंटरेस्टेड, वेरी इंटरेस्टिंग, तो आप क्या बोलोगे सर, वेरी इंटरेस्टिंग। आ रही बात समझ में? ये कॉन्सेप्ट होता है, ज्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना, लेकिन यहां मच नहीं आएगा, यहां क्या आएगा, वेरी आएगा। चलो फटाफट पढ़ेंगे भाई सेंटेंस, टाइम लेट हो जाएगी अदरवाइज अपन को। से फ्रेंच एंड इंग्लिश, देखो यहां
फ्रेंच और इंग्लिश किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लैंग्वेज को, तो आर्टिकल नहीं लग रहा, समझ में आई बात? कल अपन ने डिस्कस किया था ये बात। दूसरी बात क्या है, सो सी हैज गॉट ए गुड जॉब, उसे क्या मिला? एक अच्छा जॉब मिला। इसका मतलब क्या है, वो बोलती है फ्रेंच और इंग्लिश, जैसे मैं बोलता हूँ वह फ्रेंच बोलता है, इसका मतलब वो रोज बोलता है, उसकी आदत है। और रोज बोलने वाला काम किस में होता है? प्रेजेंट सिंपल में। और प्रेजेंट सिंपल में क्या आती है, या तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ो, एस या ईएस जोड़ो। ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगी, स्पीक्स आ जाएगी, ठीक है ना। स्पीक क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि सिंगुलर है, प्लूरल वर्ब नहीं आ सकती। आईएनजी सब्जेक्ट के तुरंत बाद आईएनजी नहीं चाहिए, आईएनजी के पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। ओके, आपने भी कमेंट किए थे प्रदीप कुमार, प्रेजेंट परफेक्ट, लेट हो बेटा आई थिंक, अगर अपना कॉन्सेप्ट आगे चल चुका है, ठीक है। हाँ, आपने कोशिश की है, सीखते रहो। इज स्पीकिंग हो सकता था, बट वो बोल रही है नहीं, वो बोलती है, इसका सेंस ये, कंटिन्यूअस बात नहीं है। He could excel in his board exams only after, हाँ यहां ये वर्ड देखो, एक बात, एक्सेल का मतलब क्या होता है, बढ़ाना। एक्सेल का मतलब क्या होता है, बढ़ाना, ठीक है। एक्सेल आप स्पीड करते हो, एक्सेल अपने मार्क्स करते हो, क्या बोल रहा है ये, ऐसे बोल रहा है, He could excel in his board examination, वो क्या कर सकता था, मार्क्स बढ़ा सकता था अपने, क्या करके, हार्डवर्क करके, सही बात है भाई, कठिन परिश्रम करके ही तो, कठिन पढ़ाई करके, जल्दी ज्यादा पढ़कर आप मार्क्स बढ़ा सकते हो, दूसरा तरीका तो है नहीं। ओनली आफ्टर, देखो ओनली आफ्टर का मतलब क्या होता है, केवल, एक ही तरीका है, वो तरीका क्या है, हार्डवर्क। अब देखो कंटिन्यूइंग का मतलब क्या होता है, जारी रखना, वेरी हार्ड, क्या जारी रखोगे, यहां तो कोई काम की बात नहीं है। फंक्शनिंग का मतलब क्या होता है, कार्य, अलग सेंस में जाता है फंक्शन, ठीक है। लर्निंग नहीं, उस समय तो आपको सीखना नहीं है, एग्जामिनेशन में आपको क्या करना है, टॉयल एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है टू वर्क, क्या मतलब होता है, टू वर्क यानी क्या करना, कार्य करना, तो यहां क्या आएगा, टॉयलिंग आएगा। आगे बात समझ में, ये ध्यान रखोगे। नेक्स्ट, एक होता है ही इज कैमरा ऑन द टेबल, अच्छी वर्ब है भाई, बताओ चलो मैं आपको एक पेयर बताता हूं, वो क्या है, एक लाई का पेयर होता है, लाई झूठ बोलना, एक होता है लाई लेटना, इसका मतलब क्या है, झूठ बोलना, और इसका मतलब क्या होता है, लेटना, ठीक है। चलो लाई का मतलब झूठ बोलना, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, लाइड, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, लाइड, डी लगा दो, सिर्फ सीधी सी बात है। लेटने के सेंस में लाई की सेकंड फॉर्म होती है ले, और थर्ड फॉर्म होती है लेन, आ रही बात समझ में, लाई ले लेन। एक वर्ब इंडिपेंडेंट वर्ब होती है ले, ले होती है लेटाना या किसी चीज को रखना, समझ में आई बात, रखना। और ले की सेकंड फॉर्म क्या होती है, लेड, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, एल ए आई डी लेड। अब यहां देखो, उसने रखा है ना अपने कैमरे को, लेटाया कैमरे को, रख दिया ओरिजेंटल, जब रखते हैं तो क्या आता है भाई, या तो फर्स्ट फॉर्म यूज करो, ये फर्स्ट फॉर्म है, या सेकंड फॉर्म यूज करो, ये तो नहीं आएगा क्योंकि इसका मतलब लेटना होता है या झूठ बोलना होता है, ये लेटने की थर्ड फॉर्म है, नहीं भी, तो इसका मतलब या तो ले करो या लेट करो। यहाँ ही के अकॉर्डिंग ले तो नहीं आ सकता क्योंकि ले के अकॉर्डिंग एस आता, समझ रहे हो ना, तो इसका मतलब सेकंड फॉर्म यूज करो, तो सेकंड फॉर्म क्या है इसकी, लेट, पांच में एक नंबर। ओके, सिक्स्थ, हेलन Has got only, मैं बता चुका हूं, जब भी only आता है ना तो नेगेटिव नहीं आना चाहिए वर्ड। देखो मनी है, मनी कैसा नाउन होता है, अनकाउंटेबल, रुपीज काउंटेबल होती है, और मनी कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल के पहले फ्यू नहीं आता,
समझ में आई बात? नो नो नहीं आ सकता भाई, ओनली के साथ नो नहीं बैठेगा। ओनली का मतलब होता है केवल, और नो का मतलब होता है ना, उसके पास केवल ना रुपए है। ऐसे बोलोगे कभी? नहीं बोलोगे। क्यों भाई? ओनली का मतलब कुछ तो होगा उसके पास। तो कुछ का सेंस कौन देता है? ए लिटिल देगा यहाँ मनी के सेंस में, ठीक है। एनी का यूज नेगेटिव में होता है, नेगेटिव नहीं है सेंटेंस, ठीक है। मोनोटोनस, मोनोटोनस का मतलब होता है भाई, आप ये समझ लो, सिमिलर बताना है। मोनोटोनस का मतलब होता है कमजोर। कमजोर को आप क्या बोलते हो? डल बोलते हो। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? सिमिलर। तो डल हो जाएगा। सिमिलर क्या हो जाएगा इसका? डल हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है। टिमिड का मतलब क्या होता है? डरपोक। टिमिड का मतलब क्या होता है? डरपोक। अनफ्रेंडली, जो क्या नहीं हो, फ्रेंडली नहीं हो, ठीक है। लस्टी, लस्टी होती है, लस्ट होती है ना, लस्ट किसी की बुरी चाह। एक तो होती है अपनी डिजायर, डिजायर का मतलब क्या होता है? इच्छा, पॉजिटिव वर्ड है। लस्ट, लस्ट का मतलब भी इच्छा होती है, लेकिन गलत इच्छा जो होती है ना, वो लस्ट उसको बोलते हैं। तो वो नेगेटिव वर्ड होता है, नेगेटिव सेंस वाला वर्ड होता है। चलो बात करते हैं। एप्रोब्रियम, अपोजिट बताना ना। एप्रोब्रियम का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। एप्रोब्रियम का मतलब होता है, ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा, क्रिटिसाइज। क्या करना? क्रिटिसाइज करना, कंडेम करना। जानते हो कंडेम का मतलब? इन दोनों का, तीनों का मतलब होता है क्या करना भाई? निंदा करना, किसी की बुराई करना, ठीक है। और इसका एंटोनिम बैठेगा एडुलेशन। क्या होगा भाई? एडुलेशन होगा। एडुलेशन का मीनिंग क्या होता है, कोई बता सकता है तो मुझे? तो इसकी बात है तो इसका मतलब हो जाएगा प्रेज, प्रशंसा करना। ठीक है, बताओ और शब्द। आगे समझ में? मिस्टिकल क्या होता है? मिस्ट्री से बनाई। मिस्ट्री का मतलब क्या होता है? गुप्त रूप से, ठीक है ना। मिस्टिकल होता है कोई गुप्त बात। इग्नोमिनी होता है, इग्नोमिनी का मतलब आप ये समझो, डिसरिस्पेक्ट। किसी को आप क्या करते हो? डिसरिस्पेक्ट करते हो, उसे कहते हैं अपन, ठीक है ना। प्रीक्लूड, प्रीक्लूड का मतलब होता है इम्पॉसिबल। क्या होता है भाई? इम्पॉसिबल, यानी किसी चीज को क्या बनाना? असंभव बनाना। आई बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे। कॉल द पुलिस एट वंस, ये कैसा है? वर्ब से शुरू है। कैसा सेंटेंस है? वर्ब से शुरू है, सब्जेक्ट थोड़ी है। तो ये कौन सा सेंटेंस है? ये होता है सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब इसको देखो कैसे बनेगा। आपको पता है इंपेरेटिव सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है? लेट से। तो दो शब्द है, लेट से स्टार्ट हो सकता है। आ रही बात समझ में? लेट से स्टार्ट होगा। कोल्ड से पहले बीचिएगा ना, तो इसका आंसर ए आएगा। अपन ऐसे तो बोलते हैं, जैसे मैं बोलता हूं ओपन द डोर, आपको याद आया कुछ ऐसा सेंटेंस? ओपन द डोर, इजी है ना। तो आप क्या करते हो इसमें? देखो मेन वर्ब से शुरू है ना, तो मेन वर्ब से शुरू हुआ तो आप क्या करोगे? यहाँ लेट लगा दोगे। लेट के बाद सब्जेक्ट रखोगे। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की फॉर्म में यहाँ रखा जाता है, फिर बी लगाओगे और ओपन की थर्ड फॉर्म ओपन। ये तो सिंपल सा था, सबको पता है चीज, यही अपन ने किया है। लेट के बाद पुलिस को पहले रख दिया, ठीक है, बी लगा दिया और कोल्ड कर दिया एट वंस। एट वंस यहां एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है। नॉट टू मीन्स मैटर्स, Not to means matter, जानते हो इसका मतलब क्या होता है? Means का मतलब, means का होता है घुमा फिरा के, या इसको अपन ठुमका लगाना बोलते हैं जनरली। Means का मतलब क्या होता है? ठुमका लगाना। अरे आप किसी मामले को घुमा फिरा के क्या बोलते हो?
उसे तो कहते हैं अपन टू मीन्स मैटर। देखो एक वर्ब तो ये हो जाएगी, एक फ्रेज तो ये हो जाएगी, टू मीन्स मैटर्स। इसका मतलब क्या होता है? किसी बात को घुमा फिरा के कहना, समझ में आई बात? कुछ ऐसा बोलना जिसका कोई मीनिंग नहीं जाएगा। और अगर मैं इसके पहले नोट लगा दूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? किसी बात को घुमा फिरा कर ना कहकर सीधा बोलना, तो अपन इसको क्या बोलेंगे? टू स्पीक फ्रेंकली। पता ना आपको फ्रेंक क्या होता है? डायरेक्टली कोई भी के मुंह पे बोल देना, वो फ्रेंकली होता है। आ रही बात समझ में? तो टू स्पीक फ्रेंकली अपन यहां देखेंगे तो अपन को बोलता है टू स्पीक आउट लाउड पोलाइटली, किसी को पोलाइटली बोलना, इसका सही मीनिंग होगा इफ यू नो। ठीक है, सीधा सा है। हैज के बाद में थर्ड फॉर्म चाहिए ना भाई, हैज के बाद में क्या चाहिए? थर्ड फॉर्म, बात हो चुकी है तो हैज के बाद में थर्ड फॉर्म ढूंढ लो। इसमें है हैड कैसे आएगा? कोई दिक्कत नहीं, हैड लगाने जरूरत का है। नो इम्प्रूवमेंट भी गलत है, वॉज एडवाइज्ड भी गलत है। यहां जो आएगा वो क्या आएगा? हैज एडवाइज्ड। देखना ये दो वर्ड होते हैं, एडवाइस एडवाइज। ठीक है, एडवाइस का मतलब होता है सलाह, और ये क्या होती है? सलाह देना। सिंपल सी बात बताता हूं, ये नाउन है और ये क्या है? वर्ब है। यहां वर्ब के फॉर्म में ऐसा ना, तो ये बात भी आप ध्यान रखोगे। एडवाइस देने वाला क्या कहलाता है? एडवाइजर। तो एस ही लगाओगे, एडवाइजर, जो सलाह देता है उसे एडवाइजर कहते हैं। एडवाइजरी आती है ना गवर्नमेंट की, उसमें कुछ लिखा होता है। अरे वाह, ये फ्रेज अच्छी है, ये वन वर्ड अच्छा है। एन ओल्ड अनमेरिड वुमेन, ऐसी औरत जो बूढ़ी हो चुकी है लेकिन अभी भी क्या है? जिसकी शादी नहीं हुई। मेरी बात, कुमारी बूढ़ी औरत ऐसे बोल सकते हैं। उसे अपन बोलते हैं स्पिंस्टर। क्या बोलते हैं भाई? स्पिंस्टर बोलते हैं, ठीक है ना, स्पिंस्टर। ठीक है, स्पिंस्टर है जो अपन बोलेंगे। स्नाइपर तो आप जानते ही होंगे, जो स्नाइप करता है स्नाइपर कहलाता है। सेप्टुएगेनरियन, सेप्टुएगेनरियन का मतलब होता है 70 years old। कितने ईयर ओल्ड? 70 साल का कोई आदमी होता है ना, उसे अपन क्या कहते हैं? सेप्टुएगेनरियन कहते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखोगे आप। अब नेक्स्ट है, आपसे पूछा है फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना आपको, इनकरेक्टली, सॉरी, ढंग से पढ़ोगे ना तो इनकरेक्टली है। देखो सेंचुरी की स्पेलिंग तो यही होती है, सी एन टी वाली। फाइनेंस की स्पेलिंग भी यही होती है, एफ आई एन ए एन सी। ठीक है, रिमेंबर की स्पेलिंग भी यही होती है। तो बच्चा क्या? स्पॉन्सर। स्पॉन्सर क्या होता है आप जानते हो? स्पॉन्सर्ड बाई लिखा होता है, स्पॉन्सर की स्पेलिंग एस ओ आर होती है। ठीक है ना, ध्यान रखोगे। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट, डायरेक्ट स्पीच। डिडंट सिट हियर, ही सेड टू द बॉय। अरे डिडंट से शुरू ही नहीं हो सकता कभी सेंटेंस, ऐसा मत करना, डोंट आएगा। ठीक है, डोंट सिट देयर, डोंट सिट हियर। इसकी कंडीशन देखो, दोनों बन सकती है। ये भी सही हो सकता है, डोंट सिट देयर और डोंट सिट हियर, क्योंकि हियर किसमें बदलता है? बाद में जाके दियर में बदलता है, और दियर है तो दियर रहेगा, आप दोनों बदल सकते हो। लेकिन इसकी जो एप्रोप्रिएट फॉर्म होगी ना, आपको बदलनी है, और वो बदलनी क्या है? डी आंसर। इसका मैं कहता हूं भाई, इसमें आपको कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है, बी और डी में दोनों सही लग रहे हैं, लेकिन ये नहीं आएगा, डिडंट से नहीं आएगा शुरू, डिडंट से सेंटेंस शुरू नहीं होता, डोंट से होता है। बोलते ना ओपन द डोर, फिर अपन क्या बोलते हैं? डोंट ओपन द डोर। आ रही बात सुन में? नेगेटिव ऐसा होता है, वही बात है। तो इसमें जो एप्रोप्रिएट आंसर है वो इसका डी दे रखा है। ठीक है, 15 सीक्वेंस बताना है। ये यहां तक है भाई, ये सीक्वेंस आपको बताना है। ये तो बोल रहा है कि आंसर कौन सा आएगा।
नहीं, ये सेंट ये गलत है भाई, पूरा का पूरा ये क्वेश्चन ही गलत है। इसके अंदर कुछ ना कुछ रहा है जो क्लियरली नहीं दिख रहा, मिस्टेक हुई है भाई कहीं ना कहीं। जैसे अगर मान लेते एक बार, हाउस के लिए अपन फिनिश्ड वर्ड यूज नहीं कर सकते क्योंकि एक्टिव में यूज नहीं करेंगे। दूसरी चीज क्या है, केम ऑलरेडी सेकंड फॉर्म में है तो इसको भी सेकंड फॉर्म में कैसे रखेंगे, दो वर्ब तो साथ में नहीं आएगी। तो इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है, करेक्ट करेंगे, ठीक है, ये आज बाद में देखेंगे। 16, एवरीबडी वर्शिप द राइजिंग सन। वर्शिप क्या होता है, सुना है ना आपने कभी, है दुनिया उगते हुए सूरज को क्या करती है, सलाम करती है। राइजिंग का मतलब यहां वर्शिप क्या है, देखो ये सब्जेक्ट रहा, सब्जेक्ट के बाद में क्या आती है वर्ब, आती सीधी सी बात है, तो ये क्या हो जाएगा, वर्शिप का मतलब होता है पूजा करना, ठीक है। अब आपके सामने पैसेज, चलो अपन देखेंगे। पहला है, द राइटर इज डिस्क्राइबिंग हर एक्स एक्सपीरियंस ऑफ विच एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी को वो कर रहा है, ठीक है, देखेंगे एक बार। ये शायद देखो, द इंस्ट्रक्टर्स रूल्स, जो इंस्ट्रक्टर के रूल होते हैं ना उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं। वर सिंपल, वो एकदम साधारण थे, क्या साधारण था, ब्रीद थ्रू योर माउथ, किसके थ्रू लो सांस, माउथ के थ्रू लो यानी मुंह के थ्रू लो, कहा ये शायद स्विमिंग की बात हो रही है। नॉट योर नोज, किससे मतलब सांस से, नाक से सांस मतलब। एज द मास्क विल फॉग अप, ने जो मास्क लगा रखा ना ऑक्सीजन मास्क, वो बाहर निकल जाएगा। अगर आप नाक से सांस लोगे तो उस प्रेशर से क्या होगा, वो ऑक्सीजन मास्क फॉग अप बाहर आ जाएगा। इजियर सेड, ज्यादा इजी है कहना देन डन, करने से ज्यादा कहना इजी होता है, ये बोल रहे। आई गॉट इट रॉन्ग मेनी ए टाइम, मैंने बहुत बार गलतियां की है इस संदर्भ में, मैंने नाक से सांस लिया फिर भी, ये बोलना इजी है करना कठिन है। बट वंस यू फोट हैबिट, जब तुम आदतों से लड़ते हो, एंड गोट द हैंग ऑफ इट, और आप जब इससे छुटकारा पाते हो, द पेनोरमिक अंडर वाटर, जो अंडर वाटर में पेनोरमा होता है ना, मतलब एक दृश्य होता है उसे पेनोरमा कहते हैं। अंडर वाटर वर्ल्ड रिवील्ड इटसेल्फ, जो नीचे का पानी का जो दृश्य है ना, वो अपने आप को क्या करता है, उजागर करता है टू यू, अपने आपको, मतलब सीधी सी बात ये बोलना चाह रहा है, जब आप ऐसी आदतों से लड़ते हो और इससे जीत लेते हो, आदतें आप छोड़ देते हो नाक से सांस लेने वाली, तो आपको समुद्र की दुनिया खुद आके खुद को रिप्रेजेंट करती है, मैं ही हूं। विद हाई डेफिनेशन क्लैरिटी, कैसी डेफिनेशन आएगी, हाई डेफिनेशन की जनरल सी बात यही है कि आपको बहुत क्लियर दिखेगा, ठीक है ना। देखो क्लियर एक वर्ब होती है, क्लैरिटी जो है ये एडजेक्टिव होता है, ठीक है ना, नहीं क्लैरिटी नाउन होता है, ठीक है, क्लैरिटी नाउन होता है। लेड बाय हिम, आगे आपको लीड करती है। आई स्लोली पीयर्ड थ्रू द मास्क इनटू व्हाट टिल देन वाज क्रिस्टल क्लियर वाटर, तो अपन को एक बात पता हो गया कि वो क्या कर रहा था, किसका एक्सपीरियंस कर रहा था, बताओ। लॉन्ग डिस्टेंस स्विमिंग या स्नॉर्कलिंग, देखो स्नॉर्कलिंग का मतलब होता है सांस लेना, ठीक है, सांस को कैसे लिया जाए, सांस को कैसे मेंटेन किया जाए, तो ये हो जाएगा स्नॉर्कलिंग। दूसरा अपन देखे क्वेश्चन को, हाउ टू अवॉइड द मास्क फॉगिंग अप, मास्क को ऊपर जाने से कैसे रोका जाए, बाय कीपिंग बाय ब्रीदिंग थ्रू द माउथ, अब बोल रहा था ना कि सांस किससे लो, मुंह से लो, तो इसका आंसर आ जाएगा बी, ठीक है बी आ जाएगा। व्हाट इज नेमो, नेमो का है देखेंगे इसमें, यहां मिलेगा आपको कहीं ना कहीं नेमो,
ये रहा, आई वॉज इन नेमोस यूनिवर्स, मतलब मैं किस में था भाई, नेमो के ब्रह्मा यूनिवर्स में था। इसका मतलब नेमो कोई एक समुद्री जीव हो सकता है, इसमें बहुत सारे नेमो है। देखो जिक्र किया है कैसे, अब अपन को इसका मीनिंग तो पता नहीं है कि नेमो का मतलब क्या होता है, लेकिन आप आराम से अंदाजा लगा सकते हो। जैसे स्टार फिश है, सी एनिमल है, सी कुकुम्बर है, कुकुम्बर का मतलब ऐसे अपन जनरली बोलते खीरे को, लेकिन सी कुकुम्बर किसी जानवर का नाम है यहाँ। सी एनोमोन ये भी किसी जानवर का नाम है, हिंदी में ट्रांसलेट नहीं होगा भाई। क्लाउन फिश भी है, स्टार फिश भी है, सी हॉर्सेज समुद्री घोड़े भी है, पैरेट फिश, बटरफ्लाई फिश एंड वेवी ऑफ कलरफुल साल्ट वाटर फिश स्वाम पास, ये सारी के सारी मछलियों की प्रजाति है भाई। तो इसमें क्या है, व्हाट इज नेमो, तो बताओ इसमें क्या हो जाएगा, एन अंडर वाटर एनिमल। आ रही बात समझ, सीधा सा है, सिंपल सा। द राइटर सो ऑल ऑफ द फॉलोइंग, उसने देखो क्या क्या देखा था, उसने सी हॉर्सेस देखा था, उसने पेरेट, एक्सपेक्ट का मतलब होता है के अलावा, उसने के किसके अलावा नहीं देखा था, मतलब सब कुछ देख लिया, क्या नहीं देखा ये बोलना चाह रहे। तो उसने कैनरी, येलो फिश देखी, आया कहीं, चलो अपन डिस्कस करते, इन दोनों में देखेंगे ग्रीन फिश आया या येलो फिश आई, दोनों देखेंगे कौन सा है। ए सोलो कैनरी येलो फिश, ठीक है, डिड ए मेरी डांस एंड अनदर, तो इसका मतलब क्या आएगा, इसने कैनरी येलो फिश तो देख ली, तो क्या नहीं देखा इसने, इसने वो नहीं देखा जो लास्ट में डी है, वाइब्रेंट। वाइब्रेंट का मतलब होता है कोई चीज जिंदा, आ रही बात समझ, ये चीज है आपके। आई थिंक सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर द डे, बताना ना।